हेलो एंड वेलकम टू आर डिस्कशन ऑन वेटेड मीन्स लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने देखा था कि वेटेड मीन्स क्या होते हैं क्रूड रेट्स क्या होती हैं स्टैंडर्ड रेट्स क्या होते हैं तो एक इंट्रोडक्शन टाइप लिया था टुडे विल टेक अप क्वेश्चंस ऑन वेटेड मीन्स अब यहाँ देखें हमारे पास दो क्वेश्चन हैं फर्स्ट वन इज देर आर सर्टन पोस्ट सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड अकाउंट्स ऑफिसर तो कुछ सर्टन पोस्ट हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर और वहाँ पर हमारे पास क्या है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक सेक्रेटरी है जॉइंट सेक्रेटरी है देर आर टेन डिप्यूटी सेक्रेटरीज देन देर आर थ्री अकाउंट्स ऑफिसर ईच हैविंग अ सैलरी ऑफ सेक्रेटरी सैलरी ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड ज्वाइंट सेक्रेटरी विद फिफ्टीन थाउजेंड डिप्यूटी सेक्रेटरी विद टेन थाउजेंड एंड अकाउंट्स ऑफिसर विद एट थाउजेंड यह उनकी सैलरी पैकेजेस है नाउ फाइंड सिंपल मीन सैलरी कि जो सैलरी है उसका सिंपल मीन निकालना है हमारे को एक तो और एक फाइंड वेटेड मीन सैलरी तो अब जब ये दोनों चीजें आमने सामने आ जाती है लेफ्ट अलोन हमारे को कुछ नहीं कहा जाता कि सिंपल मीन क्या है और वेटेड मीन क्या है अगर हमारे से पूछा जाता कि फाइंड द मीन सैलरी तो वो मीन सैलरी ऑब्वियसली कौन सी होती वेटेड मीन सैलरी होती क्यों होती वो वेटेड मीन सैलरी क्योंकि हमारे पास यहां फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ एंप्लॉयज हैविंग दिस सैलरी एंड यस क्योंकि सैलरी पूछी जा रही है तो ये तो बनेगा मेरा एक्स ये बन जाएगा मेरा एफ अगर सिंपल क्वेश्चन होता जहां कोई वेटेड मीन सिंपल मीन कुछ नहीं लिखा होता आपको सिंपली क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड मीन सैलरी मीन सैलरी में पोजीशंस तो किसी काम की नहीं रह जाएंगी ये एक्स हो जाएगा और ये उसकी रिपीटेशन पंद्रह हजार कितने जनों को दी जा रहे हैं पांच जनों को एक दो तीन चार पांच तो रिपीटेशन क्या होती है फ्रीक्वेंसी तो फिफ्टीन थाउजेंड फाइव जनों की सैलरी है टेन थाउजेंड टेन जनों की सैलरी है तो फाइंड सिंपल मीन सैलरी तो वो तो होता फाइंड मीन सैलरी जो के बाय डिफॉल्ट जो मीन हम हमेशा निकालते हुए वो बाई डिफॉल्ट कौन सा है वो वेटेड ही है लास्ट लेक्चर में भी हमारी बात हुई थी कि फ्रीक्वेंसी ऑल्सो प्लेज अ रोल ऑफ वेट वो हमने एक क्वेश्चन देखा था कि टेन मार्क्स और हंड्रेड मार्क्स का था तो जिस तरफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी हमारी क्लास का रुख उधर हो गया था कि अगर टेन मार्क्स वाले ज्यादा हैं तो फिर मैं लोअर लेवल पर जाकर के पढ़ाने लग गया हंड्रेड मार्क्स वाले ज्यादा हैं तो मैं उधर चला गया ज्यादा है का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो प्लेज ऑफ वेट तो बाय डिफॉल्ट जो हमने पढ़ा वो वेटेड ही है अब यहां, हम एक्चुअली तो, तो, तो दो आ जाते हैं तो सिंपल मीन सैलरी सिंपल मीन सैलरी मतलब ये सैलरी है इसका मीन बता दीजिए तो अगर मैं इनको कहूं क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन का ए क्वेश्चन वन का इफ आई टॉक ऑफ क्वेश्चन वन ए तो मीन सैलरी पूछिए यह पढ़िए हमारे पास सैलरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है ये तो हमारे लिए एक्स क्या हो गया ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड टेन थाउजेंड एट थाउजेंड तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी थ्री एटीन एंड फाइव ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री थाउजेंड सिग्मा एक्स हो गया फिफ्टी थ्री थाउजेंड अब एक्स बार क्या होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन तो ये कितना होगा फिफ्टी थ्री थाउजेंड कहां से आ रहा है ये समेशन ऑफ एक्स फिफ्टी थ्री थाउजेंड कहां से आया कितने एलिमेंट्स आया वन टू थ्री फोर गिविंग मी 53,000 डिवाइडेड बाय 4, गिविंग मी एन एवरेज ऑफ थर्टीन टू फिफ्टी तो हमारे पास फर्स्ट ए के अंदर जो सिंपल मीन है वो ऐसा आ गया अगेन अगर ये पुराने टाइम का हमारा जब हमने ये फिक्स्ड सी uh, हमने सिंपल और वेटेड नहीं पढ़े थे उस टाइम आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता फाइंड मीन सैलरी और आप मीन सैलरी निकाल देते तो आप क्या करते इसको एक्स बनाते और इसको एफ बनाते वो जो मीन सैलरी था वो बाई डिफॉल्ट वेटेड ही था अब यहां पे क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी की जगह एक वेट का नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम इन क्वेश्चंस को वापस से देख रहे हैं तो वो वेटेड ही होता था क्योंकि हमने कई बार अब तो ये बात कर ली है कि फ्रीक्वेंसी आल्सो प्लेज अ रोल ऑफ वेट तो वो ये वाला था अभी जो हमने निकाला वो सिंपल मीन कुल मिला के सिंपल मीन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देते हैं एलिमेंट्स गिनते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं उनका मीन ले लो डिफरेंट एलिमेंट्स इतने हैं, इनका मीन आ गया तो दिस इज आर सिंपल मीन देन वी आर टॉकिंग ऑफ वेटेड मीन सैलरी तो यहां पे आ जाएगा अपना क्वेश्चन वन बी वेटेड मीन सैलरी इफ आई टॉक ऑफ वेटेड मीन सैलरी सैलरी है तो ये तो रहेगा ही रहेगा और इसकी रिपुटेशन हो रही है एट थाउजेंड आर बींग पेड टू थ्री अकाउंट ऑफिसर इसका तो फ्रीक्वेंसी थ्री है क्या है ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड दिस इज सैलरी और क्योंकि क्वेश्चन सैलरी की बात कर रहा है तो सैलरी तो बनेगी एक्स और ये बन जाएगा एफ इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ये इसमें मिक्स हो रहा है है। क्या क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एंप्लॉइज वन फाइव टेन एंड थ्री वन फाइव टेन एंड थ्री इनकी सैलरीज कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड एट थाउजेंड तो एफ आ गया है एक्स आ गया है तो आई कैन वेरी वेल हैव एफेक्ट्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टीन एंड फाइव सेवेंटी फाइव बिकम वन लैक ये ट्वेंटी थाउजेंड ही होगा यह सेवेंटी फाइव थ्री जीरोज जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो नाउ कैन वी हैव एक्स बार वुड बी सबिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समिशन ऑफ एफ और राधर क्योंकि वेटेड मीन पूछा गया है सॉरी तो इसलिए हम इसको एफ नहीं बोल के क्या बोल देते हैं डब्ल्यू बोल देते हैं बिकॉज दिस टाइम दे आर टॉकिंग ऑफ वेटेड मीन तो इन दैट केस ये भी क्या हो जाएगा एफ की जगह डब्ल्यू तो यहां पर भी हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा इट विल बी डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स कितना आ रहा है इसका टोटल 95, 99, 119, 219,000, 219,000. एंड नाइनटीन आ गया W कितना आ गया सिक्स सिक्स एंड इसको एक बार फिर से देख लेंटी प्लस फोर मेकिंग इन नाइन टू 219,000 अपॉन 19. 11.526. 11.526.31. तो जब हमसे सिंपल मीन पूछा गया तो हमने जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी उनका मीन ले लिया डिवाइड बाई फोर क्योंकि वन टू थ्री फोर था दिस बिकम्स माइ सिंपल मीन फिर हमसे वेटेड मीन पूछा गया सैलरी का तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इट एक्ट वेट तो इसको हमने वेट बना दिया और यहां पर हमारे पास ये एफ एक्स आ गया डब्ल्यू एक्स आ गया एफ डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू एलेवन फाइव टू सिक्स सो दिस वॉज आर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और उस फर्स्ट क्वेश्चन का वन ए एंड वन बी नाउ लेटस टॉक ऑफ क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू क्या कह रहा है हमारे को वी हैव अ कोर्स कोर्सेज है हमारे पास कुछ फाइव कोर्सेज है एमए एमएससी बी ए बी एस सी एंड बीकॉम यूनिवर्सिटी ए एंड बी के हमारे पास पास परसेंटेजेस हैं कि कितने बच्चे वहां पे अपियर हुए और उनमें से पास हुए तो यूनिवर्सिटी ए में फोर्टी परसेंट पास हुए हैं एमए में और यूनिवर्सिटी बी में सेवेंटी परसेंट जितने भी बैठे थे तो उनका सेवेंटी परसेंट पास हो गए इफ यू टॉक ऑफ बी एस सी दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में सिक्सटी परसेंट बच्चे पास हो गए बी कॉम में जितने भी टोटल बैठे थे यूनिवर्सिटी ए में उनमें सेवेंटी परसेंट पास हो गए और बी में फोर्टी परसेंट पास हो गए हुआ हमारा क्वेश्चन जो डिटेल्स गिवन है है पूछा क्या गया यूनिवर्सिटी इज बेटर और विच यूनिवर्सिटी इज बेटर एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि सिंपल मीन से पता लगा लेते हैं एक काम यह हो सकता है कि वेटेड मीन से पता लगा लें सबसे पहले सिंपल मीन से पता लगा करके देखते हैं कि कोई, कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर लग रही है या दोनों सेम लग रही है तो हैव क्वेश्चन टू और हालांकि इसके लिए कभी भी सिंपल मीन यूज नहीं किया जाता है जब भी कोई कंपैरिजन होता है तो वेटेड मीन यूज करना प्रॉपर रहता है पर ठीक है हम एक बार सिंपल मीन निकाल करके देखते हैं कि किस तरह की इंसाइट मिल रही हैं तो क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन वी हैव कोर्स यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्सिटी बी एम एम एस सी बी ए बी एस सी बी कॉम तीन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं हमारे पास और दो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं विद देयर पास परसेंटेज बींग फोर्टी थर्टी एटी सिक्सटी सेवेंटी फोर्टी थर्टी एट्टी सिक्सटी एंड सेवेंटी सेवन एंड सेवन फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी एट टू एट जीरो नेक्स्ट वाला क्या है सेवेंटी एट्टी फिफ्टी सेवेंटी एट्टी फिफ्टी सिक्सटी एंड फोर्टी मेकिंग इट थ्री हंड्रेड फिफ्टीन एंड फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी एट एंड थर्टी अब सिंपल मीन से अगर हम कर रहे होते तो हम क्या करते एक्स बार ऑफ ए टू एट्टी आ रहा है अपॉन वन टू थ्री फोर फाइव 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 आर ट्वेंटी फाइव थ्री फाइव सिक्स आर थर्टी फिफ्टी सिक्स परसेंट यूनिवर्सिटी ए की पास परसेंट कितनी आ गई फिफ्टी सिक्स परसेंट यूनिवर्सिटी बी की पास परसेंट कितनी आ गई सिक्सटी परसेंट ये कहानी हुई हमारी फर्स्ट सॉरी सेकंड ए की नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो एक एब्सोल्यूट कंपेरिजन हो गया जिसके अंदर एक्चुअली हमारे को पता भी नहीं है कि कितने लोग बैठे कौन सा कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने तो क्या मान लिया कि सारे कोर्सेज इक्वली इंपॉर्टेंट है लेकिन एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम जाएं और देखें कि कौन सा कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस का मतलब कौन सा कोर्स ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर रहा है कौन सा ऐसा कोर्स है जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं है, वो ज़्यादा वेटेज कैरी करेगा जो ज़्यादा कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है अगर दस हज़ार बच्चे एक कोर्स कर रहे हैं दस बच्चे एक कोर्स कर रहे हैं तो आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन जो दस हज़ार बच्चे कर रहे हैं क्योंकि अगर उस कोर्स का सिलेबस अच्छा है उस कोर्स के टीचर्स अच्छे हैं कॉलेजेस अच्छी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है अचानक अच्छा से आई एम सर्विंग मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हाँ उन दस बच्चों के लिए भी मैं मेहनत करूंगा लेकिन अब हो सकता है उनकी मशीन्स कॉस्टली हों उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो लैब्स हैं वो कॉस्टली हों मैं एटलीस्ट टेन वालों का तो कुछ करूँ उनका अगर कॉस्ट है तो भी लाएंगे क्योंकि वो टेन थाउजेंड एक साथ एड्रेस हो रहे हैं सो द आइडिया इज़ वहां पे भी फ्रीक्वेंसी इज प्लेइंग इन अ सेंस रोल ऑफ वेट कि भाई कौन सा कोर्स इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें ज्यादा बच्चे हैं ऑब्वियसली एक कॉलेज की अगर हम बात करके देखें तो हमारा सारा ध्यान किस पे होता है हम अच्छे टीचर्स किस में लाते हैं हाईली पेड टीचर्स किस में लाते हैं कॉस्टली बुक्स किस में लाते हैं जिसमें एडमिशन्स होते हैं सो नंबर ऑफ एडमिशन्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब यहां हमारे क्वेश्चन में हमारे को कुछ भी नहीं दिया गया है कुछ दिया होता तो हम सोचते क्या करना है जैसे कि आगे जो हम क्रूड और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस वापस आएंगे यूनिवर्सिटीज़ वाले बट उसमें कुछ वेट दिया हुआ होगा अब यहाँ तो वेट नहीं है तो फिर पिछले लेक्चर में जाइए मैंने आपको क्या बताया था कि वेट्स अगर एक्सप्लिसिटली मैंशनड है कहीं से समझ में आ रहे हैं कि ये वेट्स हो सकते हैं तो तो वो वेट्स हैं उनको हम वेट्स की तरह यूज़ करेंगे बट अब इस केस में तो कोई वेट्स है नहीं तो फिर हम ऐसे में क्या करते हैं अगर आपको याद पड़ रहा हो प्रीवियस लेक्चर तो हमारी बात हुई थी कि एक्सपर्ट्स को बुला लीजिए आप स्पेशलिस्ट को बुला लीजिए इकोनॉमिस्ट को बुला लीजिए जो भी जन उस फील्ड के हैं। वो लोग फिर हमारे को बता देंगे कि हाँ भाई ये कोर्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा लीनियंट है इसके अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मतलब ये थोड़े कम बच्चे कर रहे हैं ये थोड़े ज्यादा बच्चे कर रहे हैं वो लोग हमारे को कुछ इनसाइट्स दे सकते हैं तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं यहाँ के सीनियर प्रोफेसर को वी को बुला सकते हैं और उनसे देख सकते हैं कि हाँ भाई आपका सबसे ज्यादा कोर्स कौन सा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज ओनली एन अजम्पन हम यहां पर सिर्फ अजम्पन ले रहे हैं सिर्फ समझने के लिए कि अगर वेट्स दिए जाते तो क्या होता सपोज हमने कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए और उन्होंने हमारे को किस तरह के वेट्स दे दिए कोर्स वेट यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्सिटी बी क्या क्या कोर्स है हमारे पास एम एम एस सी बी ए बी एस सी तो जो हमने वीसीज बुलाए सीनियर प्रोफेसर बुलाए उन्होंने आके हमारे को कुछ ऐसा बताया कि एक परसेंट दिया एक रेशियो दिया प्रोपोर्शन दिया कि सपोज यूनिवर्सिटी में टोटल हंड्रेड बच्चे हैं तो उनमें से फिफ्टी तो कहां होते हैं बीए के अंदर ही होते हैं थर्टी कहां होते हैं बीकॉम के अंदर होते हैं तो आउट ऑफ हंड्रेड एट्टी का करीब करीब ऐसा रेशियो रहता है फिर जो बचे हुए ट्वेंटी हैं उनमें से टेन चले जाते हैं बी के अंदर एंड फाइव ईच तो उन्होंने बहुत डेलीब्रेशन की अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज का मे बी डेटा रखा एक्सपर्ट्स थे एक्सपीरियंस था उनके पास उन्होंने हमको ऐसा कुछ फिगर दिया भाई बीए में करीब करीब 50 परसेंट बच्चे जो होते हैं यूनिवर्सिटी के वो कहाँ होते हैं बीए में होते हैं 30 परसेंट एक यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं वो कहाँ होते हैं बी में होते हैं बी में टेन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ऑब्वियसली वो जाएगा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया तो एटलीस्ट इन प्लेस लाइक इंडिया आप हर ग्रेजुएशन करने वाला पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करता है तो सी कि आगे जाके ये नंबर्स काफ़ी ब्लीक हो जाते हैं कम हो जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में और भी कम है और हो सकता है रिसर्च होती तो और भी कम होते ये उन्होंने हमारे को आइडियाज दिए दिए वेट्स ये ये अब मेरे लिए वेट बन जाएंगे फ्रीक्वेंसी है इंपॉर्टेंस है प्रोपोर्शन है कोई मतलब नहीं उन्होंने ही मेरे को बता दिया ये वेट है कि एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोलमेंट्स बीए में 50 परसेंट होता है इसका आधी इंपॉर्टेंस एक यूनिवर्सिटी को किस पे देनी चाहिए बीए एंड रिलेवेंट कोर्सेज पे रिलेटेड कोर्सेज पे थर्टी परसेंट यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है पैसा है वो कहां डायरेक्टेड होना चाहिए कि BS, कॉम का डेवलपमेंट कैसे हो, उन बच्चों को कैसे ये उन्होंने हमारे को सजेस्ट किया नाउ सिंपल मीन में तो क्या लग रहा था कि यूनिवर्सिटी बी इज बेटर क्योंकि उसका पास परसेंट बेटर है अब देखते हैं क्या होता है लेटर्स है फोर्टी थर्टी एट्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट एंड सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट

डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू तो अब यहाँ पे तो दो हो गए हैं तो अगर ये एक ही यूनिवर्सिटी देते तो हम इसको एक्स क्या देता लेट अस कॉल इट डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी तो ये क्या हो गया डब्ल्यू एक्स फिर अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो ये डब्ल्यू एक्स हो गया हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं फोर फाइव आर ट्वेंटी फ़ाइव थ्रीज़ आर फिफ्टीन एट फाइव आर फोटी सिक्स सेवन थ्रीज़ आर ट्वेंटी वन अब यहाँ पे आपके पास हैं डबल ज़ीरो यहाँ भी हैं डबल जीरो यहाँ दो और जीरोज़ आ रहे हैं यहाँ पे एक जीरो आ रहा है फोर फाइव ट्वेंटी और एक जीरो आ गया आई एज्यूम ये एडिशंस करेक्ट है आप खुद चेक कर लेना अगर कोई थोड़ा सा गलत हो कोई वैल्यू छूट गई हो तो आई बिलीव यू कैन मैनेज इट आप सब बहुत स्मार्ट हैं अच्छे से आपको स्टेटिस्टिक्स समझ में आ रही है यू ऑल आर अटैम्प्टिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन आई एज्यूम अगर कुछ छूट रहा है तो वही आप मैनेज कर लेंगे फिर ये तो यूनिवर्सिटी तो ए का डिटेल हुई अब यूनिवर्सिटी बी को भी देखना चाहते हैं तो वेट्स तो वही रहेंगे जो उन एक्सपर्ट्स ने दिए वो तो सभी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स थे तो डब्ल्यू बी कितना बन जाएगा ये रहा सेवन फाइव हजार थर्टी फाइव एट फाइव हजार फोर्टी फाइव फाइव हजार ट्वेंटी फाइव सिक्स एंड थ्री फोर हजार ट्वेल्व यहां पर भी डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, जीरो इनके अंदर सिंगल जीरो लास्ट टाइम जीरो की कैलकुलेशन में आई मिस्ड वैल्यूज तो इसलिए आज इस तरह से कर दिया कि पहले मल्टीपल करके 1200, 600, 2500, 400, 35, 350 हंड्रेड आ हंड्रेड हमारे पास. थ्री फिफ्टी आ गए नाव कैन आई हैवेटेड मीन फॉर ए एंड अ वेटेड मीन फॉर बी वेटेड मीन फॉर ए क्या हो जाएगा सिग्मा W A अपॉन सिग्मा डब्ल्यू डब्ल्यू ए का सिग्मा कितना आ रहा है इसको अगर ऐड करें तो वेट्स का देखें सबसे पहले सिग्मा कितना आ रहा है टेन ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड इधर का सिग्मा अगर देखें तो कितना आ रहा है टू हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस फोर थाउजेंड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस ट्वेंटी वन हंड्रेड दिस इज सेवन जीरो फाइव जीरो सेवन जीरो फाइव जीरो इधर का अगर अपन देखें तो ये कितना रहा है थ्री फिफ्टी प्लस फोर हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड फाइव जीरो फाइव जीरो एक क्विक चेक कर लेते हैं ट्वेंटी सेवन सिक्सटी सेवन सिक्सटी नाइन फिफ्टी बिल्कुल सही सेवन फिफ्टी थर्टी टू फिफ्टी थर्टी एट फिफ्टी 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 बिल्कुल सही है तो हमारे पास ए का वेटेड कितना हो जाएगा सेवन जीरो फाइव जीरो अपॉन हंड्रेड मेकिंग इट सेवेंटी पॉइंट फाइव परसेंट और इसका कितना बन जाएगा हमारा अगर इसी तरह से करें तो मीन वुड बी वेटेड मीन वुड बी समेशन ऑफ डब्ल्यू बी अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू मेकिंग इट फाइव जीरो फाइव जीरो अपॉन हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव अब हमारे को कौन सी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स बेटर लग रहे हैं पहले हमारे को ऐसा लग रहा था कि सॉरी यूनिवर्सिटी बी इज गिविंग मी बेटर रिजल्ट क्योंकि उसका पास परसेंट ज्यादा लग रहा था बट अब जब हमने आकर के देखा तो ए का वेटेड मीन आ रहा है सेवनटी पॉइंट फाइव परसेंट इसका मतलब बेटर यूनिवर्सिटी ए इज गिविंग मी बेटर रिजल्ट एज कंपेयर टू यूनिवर्सिटी बी बी के पास परसेंट कितनी आ रही है वेटेड वेटेडकोर्स वेटेड एवरेज है 50.5 और इसकी आ रही है 70.5 20% 20 ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी पॉइंट का गैप आ रहा है वो गैप क्यों आ रहा है अगर इसको देखें हम तो बी वॉज डूइंग वेरी वेल इन दीज एरिया सेवेंटी एंड एट्टी जिनके एक्चुअली वेट्स तो कुछ ही नहीं तो बी वॉज डूइंग वेरी वेल इन सब्जेक्ट्स जिसमें एडमिशन बहुत कम है तो इसका मतलब लार्जर स्कीम में पूरी यूनिवर्सिटी में इतने से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं जबकि अगर ए को देखें तो ए इज डूइंग वेरी वेल इन दीज ये सारे बड़े हैं 50 एंड 30, 80 एंड नाइनटी परसेंट जो एरिया है वहां पे कौन जीत रहा है ए इज डूइंग बेटर इसलिए हम देख सकते हैं कि 20 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया इनकी परफॉर्मेंस में सो दिस इज हाउ वेटेड मीन वर्क यस आई डू डू एज्यूम आई डू अंडरस्टैंड कि ये चीज आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी ये सर ये वेट्स कहां से है ये वेट्स कहीं से नहीं आए ये तो मैंने एक केस स्टडी टाइप की ली है कि अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है और हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता तो ऑन द फेस ऑफ इट ऑन द लुक ऑफ इट हम क्या करते कि इसका सिंपल मीन ले लेते सिंपल मीन लेते तो हमारे को ऐसा लगता कि एक्स बी अच्छी है लेकिन अगर किसी रैशनल पे चलते कि ऐसे कैसे नंबर्स को जोड़ दें अब यहां कितना सही लॉजिक है कि यस यूनिवर्सिटी बी इज डूइंग वंडरफुली वेल इन सेवेंटी एंड एट्टी परसेंट यहां पर पास परसेंट है लेकिन ये लोग कितने हैं फाइव एंड फाइव टेन परसेंट बच्चे जो हैं उनमें वो बहुत अच्छा कर रही है जबकि यूनिवर्सिटी ए क्या है नाइन्टी परसेंट बच्चों में अच्छा कर रही है 90 परसेंट ऑफ द चंक इज ओवर ईयर इसलिए यूनिवर्सिटी ए के रिजल्ट बेटर आते हुए दिख रहे हैं सो दिस वॉज डिस्कशन ऑन वेटेड मीन्स नेक्स्ट टाइम वेन वी मीट विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टाइम थैंक्स वॉचिंग बताई